देखो ये आप देख सकते हो, देखिए अब इसके अंदर ये धातु की चीजें रखी है। तो इंडिया के जितने भी एयरपोर्ट है दोस्तों, सारे एयरपोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया है और सारे यात्रियों को दोस्तों एक वार्निंग दिया है, क्योंकि इस अगर नियम का फॉलो नहीं करोगे दोस्तों आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा आपने शॉर्ट वीडियो में भी देखा दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का घटना घटा है, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी हज के लिए बहुत सारे इंडिया से मुस्लिम भाई जाते हैं सऊदी अरबिया में हज करने के लिए, और बहुत सारे लोगों को रूल पता नहीं होता है कि आखिर रूल फॉलो क्या करना है, हमें क्या लगेज बैग में लेके जाना है और क्या हमें हैंड बैग में लेके जाना है। तो गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया, सिर्फ हाजियों के लिए नहीं दोस्तों, सारे लोगों को ये बताया गया है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, क्योंकि वहाँ पे आप जब हैंड बैग में बहुत सारे ऐसे सामान लेकर जा रहे हैं यात्री, जो वहाँ पे लेकर जाना अलीगल है। आपने शॉर्ट वीडियो में भी देखा कि ऐसे बहुत सारे चीज़ है, तो आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें कि आपको जो एयरलाइंस का रूल है वो फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर जो चेकिंग करने वाले हैं उनका समय अगर बर्बाद होगा दोस्तों, तो उस समय बर्बाद होने के वजह से गवर्नमेंट कुछ रूल लाने वाली है, वो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए अगर कहीं के लिए भी आप ट्रैवल कर रहे हो, ये एग्जांपल के तौर पे हाजियों का वीडियो शेयर किया गया है और बताया गया है कि इनको जानकारी नहीं होती है और अपने जो हैंड बैग है उसमें बहुत सारे सामान भर लेते हैं, फिर वहाँ पर चेकिंग करने वाले लोग का टाइम ज़ाया होता है, जो सिक्योरिटी लोग होते हैं, जो वहाँ पर पुलिस वाले लोग होते हैं चेक करते हैं, उनका समय ज़ाया होता है, तो गवर्नमेंट सख्त एक्शन लेगी। तो कहीं भी अगर आप ट्रैवल करके जा रहे हो तो वहाँ के रूल, एयरलाइंस का रूल लाजिम फॉलो करें, क्या सामान आपको लगेज बैग में डालना है और क्या आपके हैंड बैग में डालना है, नहीं तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे आपके साथ बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, आप पे जुर्माना आने वाले दौर में गवर्नमेंट कानून बना सकती है और आप पर जुर्माना लगा सकती है। तो ये कुछ अपडेट था दोस्तों, ये कुछ जानकारी था, कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।